नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बड़े बड़े संगठनों की, बड़े बड़े छात्र संगठनों की, यूं कहूं कि बड़े बड़े राष्ट्रीय छात्र संगठनों की असलियत को बताने के लिए, उनकी मानसिक दशा को बताने के लिए, छात्र हितों के प्रति रवैये को उनके बताने के लिए, और छात्र हितों में वे लोग क्या सोच रखते हैं, क्या उनके क्रियाकलाप हैं, इसको बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। और मैं आग्रह करता हूं कि ये बात सारे छात्र समुदाय तक पहुंचे, समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, और खास करके परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के भी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और मैं आप पर यह निर्णय छोड़ता हूं कि क्या हम सही हैं और क्या वो लोग सही हैं। साथियों, मुद्दा क्या है? आजकल इन बड़े बड़े छात्र संगठनों ने एक नया मुद्दा बनाया है कि टाइगर ग्रुप द्वारा जो हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, इसे बंद करवाया जाए। क्यों? साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे द्वारा छात्र हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम जो परिसर का जो समय है उसमें बैठते हैं, छात्र समुदाय को उनकी समस्याओं को हम अपने कॉपी में, रजिस्टर में नोट करते हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान हम खुद से हेल्प डेस्क जाकर करवाते हैं, ताकि विद्यार्थी समुदाय को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके द्वारा अपार समर्थन और अपार आशीर्वाद इस छात्र संघ चुनाव में हमारे संगठन को, हमारे भाई राहुल सिंह धामी को प्रदान किया गया, जिसके कारण की एक ऐतिहासिक विजय, छात्र हितों की एक विजय इस परिसर में हुई। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए हमने 2-2.5 हफ्तों से छात्र हेल्प डेस्क की शुरुआत करी, और लगातार अपार संख्या में छात्र समुदाय वहां पर आ रहा है, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहा है, और लगातार हम उनमें समाधान भी उनका करवा रहे हैं। और ये बात इन बड़े बड़े छात्र संगठनों को, राष्ट्रीय छात्र संगठनों को बिल्कुल नहीं सुहाती। साथियों, इस बात को आज चर्चा करने के लिए वीडियो बनाया गया, और इसको, इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। साथियों, छात्र संघ चुनाव के बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि अगले ही दिन से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कि किसी भी तरह का कोई अवकाश नहीं है, उसके बाद से अगले दिन से टाइगर ग्रुप का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य और स्वयं अध्यक्ष छात्र संघ भाई राहुल सिंह नामी परिसर में मौजूद है। प्रत्येक दिन हम काम कर रहे हैं, छात्र हितों में निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये वही छात्र संगठन है साथियों, जो आज हम पर, जो आज हमारे हेल्प डेस्क को बंद कराने की बात कर रहे हैं, जो कि जिनको मैं चुनावी मैठक कहना चाहूंगा कि बरसात हुई और मैठक लगे टरटराने, उसके बाद कौन कहां गया ये किसी को नहीं समझ आता। तो साथियों, छात्र संघ चुनाव के संपन्न होने के बाद से हम लोग लगातार छात्र हितों में संघर्ष कर रहे हैं, और आप सभी को याद होगा कि हमारे द्वारा संकल्प पत्र भी जारी किया था, कि जिसके कई सारे वादे हम पूरे भी कर चुके हैं, चाहे परीक्षा परिणामों को ठीक कराने की बात हो। अब सभी लोगों को याद होगा कि हमारे द्वारा सबसे पहला वादा किया गया था कि हम परीक्षाफल में जो गड़बड़ी होती है उसे ठीक करेंगे, और इसमें ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ऐतिहासिक निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहयोग में लेते हुए 4 परीक्षा मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की गई है। ये हमारा पहला काम था। 9 लाख की पुस्तकें, जो कि शायद मुझे लगता है कि 10 साल पहले एक अध्यक्ष, उनका मुझे नाम नहीं आता, अक्षित पांडे जी, उनके कार्यकाल में एक बार किताब आई थी, उसके बाद से कोई किताब परिसर में नहीं आई। इस बार 9 लाख की पुस्तकें हमारे द्वारा परिसर में मंगवाई गई हैं। इस अगले सेमेस्टर से सारी किताबें विद्यार्थियों को, पूरी पूरी किताबें छात्र समुदाय को उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये हमारा दूसरा ऐतिहासिक कार्य था। तीसरा कार्य साथियों, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि हम हेल्प डेस्क की शुरुआत करेंगे, जिसकी की चर्चा मैं अभी करने भी वाला हूं। एक और बात, ये लोग कहते हैं कि ये लोग वीडियोस बनाते हैं। परसों कुलपति महोदय के पास दोनों बड़े राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कि सदैव से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, परसों बिल्कुल भाईचारा करते हुए कुलपति महोदय के पास पहुंचे। वहां जाकर ये लोग कहते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, जिसके कारण समाज में SSJU का नाम खराब होता है, जिनकी वीडियो बनाने से रोक लगानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने कुछ किया होता तो शायद 10 सालों से इस परिसर की सत्ता इन लोगों के हाथ में थी। परिसर में कूड़ेदान तक की व्यवस्था नहीं है, और आज हम लोगों ने जब वीडियो बना के समाज के सामने, पूरे छात्र समुदाय के सामने, उनके अभिभावकों के सामने, पूरे समाज के सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने जब इस असलियत को रखा, तो इसका तत्काल संज्ञान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। ये हमारी उस वीडियो को बनाने में, वीडियो को बनाने के बाद हुई बहुत बड़ी जीत है, जिसका न केवल उन्होंने संज्ञान लिया, अपितु अगले ही दिन अपने नोडल अधिकारी को वहां भेजा, अपनी टीम को वहां भेजा। उसके बाद से जो काम चल रहा है, मुझे लगता है कि पूरा छात्र समुदाय, पूरा देश, प्रदेश और पूरा समाज देख रहा है। ये होता है वीडियो बनाने से हमारा काम, और उसके बाद लगातार काम हमारा चल रहा है। ये छात्र तो हमें बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद एक और काम आपको बताना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं वीडियो बनाने का विरोध, तो मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लिया गया, इसका बहुत बड़े जीत में ये। उसके बाद साथियों, एक और काम आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले, अभी आज मेरे द्वारा उस वीडियो को भी पोस्ट किया गया कि 20 लाख रुपए छात्र समुदाय द्वारा बहुत सारी समस्या बताई जाती थी, विद्युत संबंधी या बहुत सारे विभागों की, जैसे भौतिक विज्ञान के देख लेते हैं, छत खराब थी या सौंदर्यीकरण के लिए या फिर कर्मचारी आवास के लिए 20 लाख रुपए आवंटित करवाए गए हैं। इसके द्वारा छात्र जो समस्याएं बताई गई थी उनमें सुधार होगा, ये भी छात्र तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत है। इतने काम हमारे द्वारा करवाए गए हैं, और ये इतना कोई समय लगवा के 2-2.5 साल में हमने नहीं करवाए। छात्र समुदाय ने जो हमें विजय दिलवाई थी, उसके 1-1.5 महीने के भीतर, 1.5 महीना होने को है,
डेढ़ महीने के भीतर इतने सारे काम हमारे द्वारा करवाए गए हैं, और यही कारण है कि इन लोगों की नजरों में हम लोग फूटी आंख नहीं सुहाते। अध्यक्ष छात्र संघ फूटी आंख नहीं सुहाता, मैं नहीं सुहाता और हमारा छात्र संगठन इनकी आंखों में चुभता है। यही सबका प्रमुख कारण है मुझे लगता है। अब साथियों मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। इनके द्वारा एक बात आजकल कही जा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन से और परसों परिसर प्रशासन से, और परसों जब कल परिसर के प्रॉक्टर महोदय के द्वारा हमें बुलाया गया कि आप लोग अपना छात्र जो हेल्प डेस्क है से हटा लो। हमने कहा कि क्यों? इनके द्वारा कहा गया, आदरणीय प्रॉक्टर महोदय के द्वारा, कि एक छात्र संगठन के एक छात्र नेता का मुझे मौखिक मुझसे कही गई या फोन पर मुझसे बात की गई कि इनका हेल्प डेस्क हटवा दो। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मौखिक या फोन पर कोई बात होती नहीं है, पत्र जारी किए जाते हैं, पत्र व्यवहार से चीजें तय होती हैं। मौखिक किसी भी चीज को कह देने से कोई चीज तय नहीं हो जाएगी। अगर ऐसे तय होता तो पिछले 10 सालों से व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से हमने छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हमने मौखिक रूप से कही ना हो। अगर आप इतनी और लोगों के संगठनों की आप वो करते हैं तो जितने काम हमने मौखिक कहे आप उनको करवा दीजिए। 10 सालों की वीडियोज हैं सब जगह की, आप उन्हें क्यों नहीं करवाते? लेकिन और संगठनों के दबाव में आज परिसर प्रशासन इतना झुक गया है कि हमसे ऐसी बातें कहने को आज ऐसी बातें कह रहा है। दूसरी बात साथियों, आखिर हेल्प डेस्क क्यों ना लगाया जाए? हेल्प डेस्क हम कोई अपना प्रचार प्रसार करने के लिए तो लगाते नहीं है, छात्र समुदाय की वहां पर मदद करते हैं, और ना हम केवल चुनावी मेंढक हैं जो केवल चुनावी समय में नजर आते हैं। अगर हमारा हेल्प डेस्क भी लगाना गलत है तो वो लोग छात्र संघ चुनाव के समय क्यों अपने हेल्प डेस्क लगाते हैं? मे आई हेल्प यू के पट्टे बांधकर बिल्कुल गमछे पहनकर सभी लोग उस समय ऐसे बनकर आ जाते हैं जैसे कि मान लो छात्र हितों का ठेकेदार इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म, इनका काम खत्म, फिर इनका काम शुरू हो जाता है बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना, इधर घूमना उधर घूमना, तब किसी को छात्रहित याद नहीं आते। और हम जो कि परिसर चुनाव संपन्न होने के अगले दिन से ही कॉलेज में मौजूद है, वो बात किसी को नहीं दिखती। मैं इन बड़े बड़े छात्र संगठनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि छात्र समुदाय सब देखता है, सब कुछ देखता है, और यही इनके देखने का ही ये परिणाम है कि आप दोनों बड़े राष्ट्रीय संगठनों को परिसर से बाहर फेंक दिया। ये हमारी विजय नहीं है, ये छात्र समुदाय की विजय है, ये उनका आशीर्वाद है हमारे संगठन के प्रति। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हेल्प डेस्क को बंद कर दो, कि हेल्प डेस्क में कि हेल्प डेस्क तो अध्यक्ष तो पूरे छात्र समुदाय का है, तो हेल्प डेस्क टाइगर ग्रुप के नाम की क्यों? मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर केवल उस हेल्प डेस्क में अध्यक्ष छात्र संघ नहीं बैठता, उस हेल्प डेस्क में टाइगर ग्रुप का प्रत्येक सदस्य बैठता है, प्रत्येक कार्यकर्ता बैठता है। हर समय अध्यक्ष राहुल सिंह नामी मौजूद नहीं रह सकता, और सारे भी काम है वह हेल्प डेस्क टाइगर ग्रुप के द्वारा लगाया गया है और उसके कार्यकर्ता ही बैठेंगे तो उसका ही नाम आएगा। और ये तो बहुत खुशी की बात, और ये बहुत हर्ष की बात है कि अध्यक्ष छात्र संघ जो हमारे ग्रुप से संबंधित है, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? आखिर आप लोग भी लगाइए, आपको तो किसी ने रोका नहीं है, और ना हम कोई वहां पर ऐसे माइक लगाकर या कोई ऐसे अनाउंस करते हैं जिससे कि परीक्षा या क्लासेस कोई बाधित हो। ठंड में हम लोग बैठते हैं, ये लोग इस चीज को नहीं देखेंगे। मैं पूरे समाज से एक बात को कहना चाहता हूँ कि आज शीत का ठंडों का ये समय चल रहा है, आप हमारे हेल्प डेस्क की हालत देखिए, वहां धूप तक नहीं आती। ठंड में बैठकर सारे कार्यकर्ता वहां पर बैठकर छात्र समुदाय की समस्याओं को सुनते हैं, न केवल सुनते हैं अपितु उस पर काम भी करवाते हैं। ये चीज कभी किसी को नहीं दिखती, लेकिन आज जब ये देखते हैं कि छात्र समुदाय लगातार हमसे संपर्क कर रहा है, छात्र समुदाय अपनी समस्याओं को हमें बता रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है, तो ये बात इनकी आंखों में चुभ रही है। इन आप लोग भी लगाइए, आपको किसने रोका है? हम लोग क्या गलत करते हैं? और अगर परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा लगता है कि फिर भी अगर हम गलत कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र हमें लिख के दे दो कि एक भी विद्यार्थी को असुविधा नहीं होगी, एक भी विद्यार्थी को किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने देंगे, हम अगले ही दिन से हेल्प डेस्क लगाना बंद कर देंगे। कोई हमें बिल्कुल इतना वो नहीं हो रहा है कि हम लोग लगातार दिन भर वहां बैठे रहे, जितनी मेहनत वहां पर छात्र ये हमारे संगठन के कार्यकर्ता करते हैं, प्रत्येक छोटे कार्यकर्ता को, प्रत्येक सारे अपने छोटे भाइयों को, सभी लोगों को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक हमारे छोटे भाई से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि मैं भी वहां प्रत्येक समय बैठा नहीं रहता, लेकिन आप लोग वहां बैठे रहते हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। केवल मेरी ओर से नहीं, आप पूरे छात्र समुदाय की ओर से बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी ठंड में ऐसे परिस्थितियों में आप लोग छात्र समुदाय की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये बड़े बड़े छात्र संगठन कभी नहीं समझ सकते। उस समय ये लोग कहाँ जाते हैं? जब इनके संगठनों के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जब इनके संगठनों के नाम लिखे जाते हैं, भोंपू बजाए जाते हैं, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तब इनको सब कुछ सही, तब हर चीज सही हो जाती है। लेकिन हम बिना कुछ करे शांति से बैठकर वहां पर काम करते हैं, तो ये बात इनको बिल्कुल नहीं वो होती। आज मैं देखता हूं कि बगल से जाते हैं ये बड़े बड़े संगठनों के नेता, छात्र नेता वहां से जाते हैं, कहते हैं इनकी डायरी फेंक देंगे, इनके पोस्टर फाड़ देंगे, इनकी कुर्सियां फेंक दो, इनके पोस्टर फाड़ दो। ये बातें आपकी सोच को दिखाती हैं कि आप लोग छात्र हितों में आपका क्या दृष्टिकोण है। और ये बात हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरा छात्र समुदाय देख रहा है। छात्र समुदाय का प्रत्येक एक एक छात्र हमसे कहता है, और मैं छात्र समुदाय की ओर से टाइगर ग्रुप के
हेल्प डेस्क में बैठने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत जरूर रंग ला रही है, रंग ला ही रही है, क्योंकि हमसे भी समाज के लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये केवल व्यक्तिगत मेरे लिए ये तारीफ नहीं है, ये प्रत्येक उस संगठन हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, छोटे से छोटे, मध्यम से मध्यम और बड़े से बड़े सभी। वैसे तो हमारे पास समानता का भाव है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन छोटे भाई लोग बड़े छोटे के बीच एक अंतर रहता है। छोटे भाई लोग हैं हमारे, उसके बाद हमारे बड़े भाई लोग भी हैं, जो कि मेरे साथ जिनका कॉलेज आया हुआ है, जो लोग मेरे साथ से कॉलेज पढ़ते हुए हैं। हमारे वहाँ समानता की भावना है, कोई पद का वो बंटवारा नहीं है। तो मैं सभी छात्र, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं। और इन बड़े संगठनों को भी मुझे लगता है कि जवाब इनका मिल गया होगा, इनकी मानसिकता को मुझे लगता है कि थोड़ा इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और छात्रितों के प्रति इनका दृष्टिकोण पूरे समाज को पता भी चलना चाहिए। और परिसर प्रशासन से मैं फिर उसी बात को कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि हेल्प डेस्क हटाया जाना चाहिए तो बिल्कुल हटा दो, लेकिन उससे पहले आप एक पत्र हमें लिख के दे दो कि एक भी छात्र को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, प्रवेश परीक्षा परिणाम से संबंधित किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, हम अगले दिन से हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे लगता है कि उन बड़े राष्ट्रीय छात्र संगठनों को और परिसर प्रशासन को भी मुझे लगता है सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे। और छात्र समुदाय से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक समस्या, प्रत्येक कठिनाई में टाइगर ग्रुप, हमारे संगठन का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता, भाई राहुल सिंह धामी, स्वयं मैं और जो भी लोग हैं, हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। बहुत जल्द हम SSJU को उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहां पर कि हम गर्व से कह सके कि हाँ, यह सपनों का विश्वविद्यालय है। ऐसी बात नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इतने सारे काम हम लोगों ने इस बीच किए हैं, कभी केवल 1.5 महीना हुआ है और अभी से इन बड़े छात्र संगठनों की हालत इतनी पतली है, अभी तो पूरा साल बाकी है। हम वो इस SSJU में करके दिखाएंगे जो इन बड़े बड़े छात्र संगठनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। काश इन लोगों ने 10 सालों में कुछ काम किया होता तो आज शायद विश्वविद्यालय के हालात कुछ और होते, लेकिन अब आपने, पूरे छात्र समुदाय ने जिस संगठन को जिताया है, मुझे लगता है कि यह कोई बताने वाली बात नहीं है। और बहुत जल्दी हम SSJU को वह रूप देंगे जिसके लिए मुझे लगता है कि सारा छात्र समुदाय हमारी तारीफ करेगा। और ये बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों, किसी भी तरह की समस्या होने पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।